साथियों, आज भारत में फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हो रहा है। रोडवेज, हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, हाईवेज, इन सब का जाल बिछाया जा रहा है। आने वाले 5 वर्षों में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश का टारगेट रखा गया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज मोबाइल फोन और आधार की व्यवस्था से भारत दुनिया के सबसे अधिक डिजिटली कनेक्टेड देशों में से एक है। अब देश के हर ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। देश में 5G कनेक्टिविटी के लिए भी अलग अलग स्तर पर काम किया जा रहा है। हमारे पास डेटा का एक बहुत बड़ा और व्यापक खजाना है। डिजिटल ट्रांजैक्शन के भारतीय मॉडल की चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। आप सभी भी भारत में आई डिजिटल रिवॉल्यूशन के बहुत बड़े लाभार्थी रहे हैं। आप सभी ने अनुभव किया होगा कि 5 वर्ष पहले तक अपने परिजनों, अपने रिश्तेदारों से बातचीत करना और वहां पैसे भेजने में कितनी मुश्किल होती थी। अब बहुत ही आसानी से आप ये सब कुछ कर पाते हैं। भीम ऐप, BHIM, भीम ऐप, UPI और जनधन खाते जैसी सुविधाओं ने भारत में बैंकिंग को सामान्य मानवी के लिए सुलभ कर दिया है। हमारा रुपे कार्ड अब पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शन का एक पसंदीदा माध्यम बन रहा है। अब हमारे रुपे कार्ड को दुनिया भर के बैंक और सेलर स्वीकार कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि बहरीन में भी शीघ्र ही रुपे कार्ड से आप लेन देन कर पाएंगे। आज यहां पर रुपे कार्ड के इस्तेमाल के लिए MOU साइन किया गया है और इससे आपको कैशलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा तो मिलेगी ही। आगे हमारा इरादा है कि रुपे कार्ड के जरिए आपको भारत में अपने घर पैसे भेजने की सुविधा भी मिल जाए और जिससे पैसे भेजने का खर्चा कम हो और ट्रांजैक्शन भरोसेमंद भी हो। अब आप बहरीन के अपने दोस्तों को भी कह सकेंगे कि पे विथ रुपे, मित्रों, कुछ समय पहले तक यहां रुपये का चलन था, यहां रुपया चलता था। अब थोड़े दिनों बाद यहां रुपे कार्ड चलना शुरू हो जाएगा। भाइयों और बहनों, रुपे कार्ड भारत की उन व्यवस्थाओं में से एक है जो पूरे देश को सीमलेस कनेक्टिविटी दे रहे हैं। आज
सीमलेस मोबिलिटी के लिए भारत वन नेशन वन कार्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज पूरे भारत में पावर सप्लाई के लिए वन नेशन वन ग्रिड है। पूरे भारत के लिए जीएसटी के रूप में वन नेशन वन टैक्स है। ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हैं जो भारत में जीवन और कारोबार को आसान बनाने के लिए बनाई जा रही है। अहम बात यह है कि ये तमाम सॉल्यूशंस भारत में ही बन रहे हैं, भारत के युवा ही बना रहे हैं। आज भारत लोकल सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल एप्लीकेशन, लोकल सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल एप्लीकेशन, इस कंसेप्ट पर गंभीरता से काम कर रहा है।